गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, घर के अंदर ठीक ठाक हो गए। सबसे पहले तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। आज 15 अगस्त अपना देश आजाद हुआ था और मैं भी आजाद हो जाऊं। मैं पता नहीं कब आजाद होऊंगा। किससे आजाद होना तुम्हें? खुद से तो नहीं होना तुम्हें। खुद को इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है, खुद से आजाद होना चाहता हूँ। तेरे सारे खर्चे झेलना चाहता हूँ। अपने भी खुद बोलो। अपने भी मेरे, आप झेल लो, मैं आपके झेल लूंगा। ठीक है, तो गाइस आज का दिन हमारा स्टार्ट होता है। आज 15 अगस्त, आज हम उड़ाएंगे बहुत सारी पतंगे। आज इसको सिखाऊंगा पतंग उड़ानी। तेरे को आती पतंग उड़ानी? पिछली बार उड़ाई थी तुमने? सद्दी से आती पर। सद्दी नहीं, मंजा लाऊंगा। मंजा उंगली काट, मोनी काइट का मंजा, वो बैन है पर पता नहीं इधर मिलता रहता है भाई। हर जगह दो नंबर के काम चलते रहते, तो हमारे भी यहाँ मिलता रहता है। देखो जो मिलता हूँ मैं ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। वो कांच का मांजा नहीं यूज करना चाहिए। चलो ठीक है, फिर वो वाला नहीं लेके आऊंगा, वो वाला ले आऊंगा वो। गाइस आप लोग भी कांच का मांजा नहीं यूज करो, जो दूसरे मुझे तो पता। मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई, सच में ना, जो बाइक वाइक चलाते हैं उनके बहुत दिक्कतें हो जाती है, तो मत करो। मैं वो बंदा हूँ जो कभी पतंग उड़ाना नहीं छोड़ता था, पर मैं पूरे साल मैंने पतंग नहीं उड़ाई। 15 अगस्त को पतंग उड़ाऊंगा। सद्दी एक धागे का आता है, पांडे का मांजा, पांडे का वो लेके आएंगे। ठीक है, तो गाइस चलो पतंग वतंग लेके आते हैं। और आज का, आज की मेरी, मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूं। ये रही भाई इसकी ड्रेस। भाई ये मेरी ड्रेस है, सब लोग इंडिपेंडेंस लड़कियां पहनती है, वाइट कुर्ता, ऑरेंज वाइट ग्रीन चुन्नी, बट मैं हमेशा अलग ही पहनती हूँ। मैंने तीज पे पहना था पिंक, और आज मैं पहनूंगी ये वाली ड्रेस, एकदम कलरफुल है, इसमें पिंक भी है। अच्छी तो लग रही है। अभी मैं जाऊंगी, पर तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतना हैवी पहन लोगे? पर पता ऊपर गर्मी कितनी है, तुम पसीने पसीने हो जाओगे। थोड़ी देर जाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी आगे। चश्मा पहन के, क्योंकि मुझे तो वीडियोस मेन है भाई। हर छत पे अभी डीजे वीजे लगा रखे सबने। अगर आपको ऊपर का दिखा दूंगा, दिल्ली में रहते तो आपको पता होगा कि दिल्ली की साइड 15 अगस्त ये पतंग वतंग बहुत ज्यादा होता है। तीज पे गांव साइड या कहीं पे भी उड़ा लेते हैं। अभी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी छत पे जाऊंगा गाइस, अभी रेडी वेडी होके मैं भी अच्छे से चश्मा पहन के गाने सुनाऊं। देखो ना, सबके सब उड़ा रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं है यार। मजा आने वाला है आज, एक साल में एक बार पता उड़ा दो 15 अगस्त वाले दिन। बस फुल सेट करवाते हैं मंजा, मंजित के लिए सबके लिए करवा लिया, और अब देखना कितना मजा आने वाला। पसीना देखो मंजे भरवाने में। तो भाई अलग से चक्कर खड़ी करवानी पड़ रही मेरे को। ये तो मैंने पूरा ले लिया, वाली इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मंजित बोलेगा फिर मेरे को मेरी अलग, तो इसलिए मैंने इसकी अलग करवा दी। तो गाइस मेरे पीछे नदीम, और नदीम का तो मुंह पूरा छुप गया क्योंकि पतंग की वजह से। ये देखो कितनी बड़ी पतंग ले ली मैंने, घर जाके आपको दिखाऊंगा, बहुत बड़ी पतंगें ली है। और पूरा सामान स्कूटी मैंने भर दी भाई, पतंग मंजे। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं यार बढ़िया से। हाँ नदीम का तेरे यहाँ दिल्ली का पहला 15 अगस्त है पतंगों में? अच्छा कोई बात नहीं, खींच के ले आज 15 अगस्त। गाइस बारिश भी हो गई थी अभी पता है, फिर उसके बाद ठीक हो गया सौदा। चलो ऊपर चलते हैं। गाइस फाइनली अब घर पे आ गए, अब आपको पतंगे दिखा देते हैं हम कितनी सारी पतंगे ले आए। ये देखो ये सबसे बड़ी वाली, आपको कैमरे में शायद छोटी छोटी दिख रही होगी, इसके सामने देखो ये भी बड़ी पतंग होती है, कितनी छोटी लग रही है। और मंजे लेके आए मैं पूरी 6 की 6 रील, और अभी ये देखो ये सारी पतंगे उड़ेंगी, मंजित आएगा, नहाएंगे, रेडी वेडी हो जाते हैं और फिर अच्छे से पतंग उड़ाते हैं। और गाइस शिवानी को दिखा दूँ, शिवानी क्या कर रही है? शिवानी भैया तैयारी कर रही है आज 15 अगस्त का। क्या बना रहे हो आप? पकौड़े बना रहे हो आज? आज तो फिर मजा आ जाएगा आपके हाथ के पकौड़े खा के यार। वैसे मुझे आते मैंने शायद आपके पकौड़े नहीं खाए कभी, आपके हाथ के मैंने कभी बनाए नहीं है, मुझे आते ही नहीं है। बट मैं जैसे 15 का फेस्टिवल आते हैं तो कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। हाँ। तो शाम को मैं बनाऊंगी चूरमा और खीर। चूरमा खीर भी? ओ भाई साहब, क्योंकि आपको चूरमा अच्छा लगता है ना, गुड़ का चूरमा, इसलिए मैं सीखना चाहती हूँ गुड़ का चूरमा मम्मी से। और आज मैं सीखूंगी पकौड़े बनाना। जल्दी से बना लो, फिर रेडी होना है, क्यूट लड़की बनना है। बेबी इतनी भीड़ थी, मैं जानता हूँ कैसे लेके आया हूँ मैं, अपनी ड्रेस पहननी है, मुझे वीडियो बनानी है, सब कुछ करवा दो। तेरी एक एक नंबर की वीडियो बनाऊंगा जब मैं वादा करता हूँ। पूरी दुनिया चढ़ रहा की छत पे, मुझे शर्म आ रही है, ड्रेस पहनने कैसे चलूं ऊपर? कुछ नहीं है, सब देखेंगे वो कौन, ये तो नितिन की वाइफ है। तो थोड़ी देर आप पसीने सुखा वाले। ठीक है भाई, आलू काट लिए फुल खींच के, अभी तो प्याज भी काटनी है। ये अच्छा आलू, कौन कौन से आलू प्याज के बना रहे हो? अलग अलग बना रहे हो ना? मैं तो आलू खाती हूँ, तो मैं आलू के और नीचे भी भैया वगैरह प्याज के बने सब है। खीर आज जब मजा आने वाला है, आज जा रही हूँ मजा लेने के लिए। बता दे मेरी वीडियो बनेगी कि नहीं बनेगी? मैं बनवाऊंगा आपकी वीडियो 101%। जाओ ऐसी रखी रह जाएगी ड्रेस, और फिर रात को फिर तुम्हारे साथ देखना मैं। तुम्हें मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा अभी? कभी चलेगा 1 घंटा? तो 1 घंटा ठीक है, 1 घंटे बना दोगे? मैं जब तक कर लेता फिर बना दूंगा वीडियो। तुम नहा लिए? और सर जब भी तो इतने क्यूट लग रहे हो, मैं कौन है ये क्यूट लड़की, कौन जा रही है? फिर चल तैयारी चलते हुए फुल है, मम्मी और शिवानी दोनों मिलकर बना रही पकौड़े। शिवानी को आते नहीं ना वैसे, है ना? वैसे इसको अंदाजा तो है, पर थोड़ा सा वही है ना कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए क्यूट। पहले बनाया नहीं ना कभी, कढ़ाई का काम मैंने कभी कराया नहीं। बनाएगी तभी तो आएगा ना, अभी इसको हम सिखा रहे हैं। हां सिखा रहे हैं हम, सिखा रहे हैं हम, तेरी कह रहा। और कौन कौन है?
कौन है? और तुम्हें यारी मैं ही हूँ। अच्छा ठीक है, कर रहे हो? अच्छा पकौड़े आ गए हैं, निकल के रेडी हो गए हैं। और ये देखो दिखाओ कुछ चल गए, हल्की फुल्की तो हो जाती कभी कभी यार, मेरे को लग रहा है कौन से चल गए। अरे कोई अच्छा। करारा खाए, कोई वैसे खाए, गोरा खाए। हाँ हाँ वो तो होता रहता है थोड़ा यार, कोई दिक्कत नहीं, पसंद का होता है सब। नहीं गाइस पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं हमारे, ये रहे पकौड़े, सबने खा लिया, मम्मी और मैं बचे हैं। और हम खाएंगे चाय से ये दिल वाले चिकप में, लव यू लव यू। एक मम्मी का और एक मेरा। पापा से पूछवाते हो, पापा कैसे लगे आपको पकौड़े? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आप हमारे ऑडियंस को हैप्पी इंडिपेंडेंस से बोल दो सबको। हैप्पी 15 अगस्त सबको, स्वतंत्रता दिवस सबको, सारे ऑडियंस को बहुत बहुत। सब लोग बहुत पसंद करते हैं आपके लिए, बहुत कमेंट करते हैं, आपके पापा बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट है, हैंडसम है। पापा का नाम लिया, इससे जो जलन होती है हमारे यहाँ से जलन होती है पापा इसको की क्यों आ रहे हैं हमारे कमरे में। भाई बात कर ली जाए छत की, तो ये देखो सब अपने छत पे उड़ बढ़िया पतंगे उड़ा रहे हैं, और कितनी सारी पतंगे उड़ रही हो देखो आगे। तो भाई महारानी रेडी हो गई है यार, आपको मैं दिखा देता हूँ वो कैसी लग रही है। 3 2 1 ये देखो। सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरी प्यारी सी ड्रेस कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है, अभी ये जस्ट कल ही आई है मेरे पास, थोड़ा उसको ऑल्टर वगैरह मैं कराऊंगी, थोड़ी सी शायद मैं अब पतली भी हो गई हूँ। तो बाकी आप लोग बता देना कमेंट करके कि मेरी डाइटिंग काम आ रही है या नहीं, बाकी मुझे तो लग रहा है कि काम आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे लग रही हूँ मैं बता देना, तो अच्छी लग रही थी पर पतंग से मुझे तुम अच्छे लग रहे। पतंग में चढ़ जाऊँ? पूरी दुनिया छत पे खड़ी है, मुझे वीडियो बनानी है, कैसे जाऊँ छत पे? करना पड़ेगा तो तुम्हें, देख लो जहाँ अच्छी जगह मिल जाएगी वहाँ बना लेंगे। इसकी फाइनल लुक दिखा देता हूँ मैं आपको, दिखा ऊपर आने में शर्मा के रहे हो भाई, ऊपर का माहौल ये देखो। अब तो शाम होती जा रही ना, छत पे थोड़े से लोंडे वगैरह है, और यहाँ पे भी 15 अगस्त पे आप समझते हो ड्रिंक वगैरह करते हैं लोग बाग, तो मैंने कहा तू ज्यादा ऊपर मत आ। और दिखाओ लुक, ये इसकी लुक है पूरी, हाँ अच्छी लग रही है। अभी आ गए मंजीत की छत पे, ये देखो यहाँ से पतंगे ही पतंगे, पतंगे ही पतंगे। अभी परम आया, परम उड़ने उड़ाई पतंग, खींच के ले टोपी, अभी तक इनकी उड़ाई भी नहीं जा रही थी मेरे हाथ से। अबे भाई हवा चल गई, अभी तोड़ गई। अरे वो देखो भाई रुक जा, 15 अगस्त की रात हो गई है, और आज मेरी प्यारी सी वाइफ ने बहुत ज़्यादा काम किया है, थोड़ी सी नाराज होगी बिकॉज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए दिल मुंह पे रख दिया, इसलिए थोड़ी सी जुड़ रखी। बेबी सुनो, तो ये देखो आपके लिए थोड़ा सा खाने का सामान है, आज आपका चीट डे है, तो अपन दोनों पार्टी करते हैं। मैं बनाऊंगा, ऊपर की वीडियो किसने बनाई? मैंने बनाई। अब कौन बनाएगा? तुम। फिर चूट बन के दिखा क्यों रहे हो आप मुझे? क्या क्या लाए हो आप? देखो भाई मोमोज तो मिले नहीं क्योंकि पूरी मार्केट में, ये बर्गर है गुप्ता बर्गर, ये मेरा है चाप रोल, ठीक है, ये आपकी चौमिन, ठीक है, बस शुक्र है आप कम लाए हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक। तो भाई दोपहर में पकौड़े, रात को खीर बन रही है। इसको देखो लग रहा है तुम मुझे मार रहे हो। ये भी कुछ मांग रहा है, इसको मारूंगा मारूंगा इसको। अच्छा ठीक है, तो बना रही हूँ यहाँ पे खीर, और ये भी मैं पहली बार ही बना रही हूँ, इलायची वगैरह डाल के, और सब्जी बाहर से मंगा रही हूँ क्योंकि मुझे चूरमा बनाना है अभी, और मैं चूरमा खीर चूरमा भाई वीडियो वगैरह बना के, और ये मेरे छोटे से मेरे बाबू के लिए मैंने बनाई क्योंकि ये बाबू क्योंकि इसको बहुत पसंद है चूरमा, काफी दिन से मम्मी से गुड़ का चूरमा, गुड़ का चूरमा बनाना मेरा, ये काफी दिन से बोल रहे थे मम्मी से, तो मैंने कहा चलो मैं सीख लेती हूँ, तो मैं हर तीसरे दिन बना दिया करूंगी। और गाइस चूरमा आप सबको पता हुआ होता है, मैं ऐसा बोल लूं यार, मैं शाम बाबा पे कुछ भोग लगता है चूरमे का, तो इनसे पहले मैं मामा बोल रहा हूं, ठीक है। और गाइस चूरमा को आप पता होगा, जो गांव में रहता है दिल्ली में रहता है उनको भी पता होगा, नहीं पता हो तो आज दिखाऊंगा चूरमा किसको कहते हैं। मैं जाता हूं जिम से आऊंगा, फिर देखूंगा इसका चूरमा कैसा है, खीर तो बना ही रही है। मैं जा रहा हूं बेटा जिम, टाइम हो गया मेरा, नीचे वेट कर रहे हैं। सो गाइस यहां बन रहा है चूरमा, वो भी गुड़ का है, सब मैंने तोड़ लिए रोटी बना के, और मम्मी की ड्यूटी मेरे साथ ही, आज मम्मी एसी में जाना, यही गर्मी में बैठो मेरे साथ, ये मुझे आता नहीं है ना। चलो भाई अब इसको आटे की तरह गूंदना है। हाँ ये बस मैं घी डाल के इसको मलना है, तो गाइस दोनों हाथ मेरे हो जाएंगे, अब बनने के बाद ही दिखा पाऊंगा। तो भाई मेरे ये चूरमा बन चुका है, और मेरा भोग भी लग गया है, ये छोटे वाला मम्मी का है, पापा ले गए इसमें से क्योंकि मम्मी ने कम खा रही है, मम्मी का मन नहीं कर रहा आज, मम्मी की तबीयत खराब है, और ये दोनों मंजीत भैया के, एक मंजीत भैया का एक नितिन का है, उनका दोनों को लड़ क्योंकि वो लड़ाई हो जाती है फिर उनके आपस में,
चूरमे के लिए, तो इसलिए उनका अलग अलग है। बाकी पापा से पूछवाती हूँ मैं, पापा कैसा लगा चूरमा? बहुत जबरदस्त, फर्स्ट टाइम बनाया, खोवा पहले इतना जबरदस्त बना। चलो मम्मी खा के बताएगी अब। मम्मी का हमेशा बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मम्मी पहले चूरमे चूरमे के मामले में। मम्मी आप वो देखो, वो भी चाट रहा है, ये तो पूरा आराम ही है। गंदी तो वेट इसी से कर रहा था कि सो गाइस आपको मैं खीर दिखा देती हूँ। खीर मैंने बनाई थी, थोड़ी सी पापा ने ले ली है, मम्मी ने भी ले ली है, अब बचे हैं नितिन और मंजीत भैया, क्योंकि ये मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। और चूरमा भी मैंने इनका यहाँ पे रख दिया है, बाकी किचन विचन मैं करूँगी बाद में साफ। खाना वाना सबका बन चुका है, अब चलते हैं अपने कमरे। तो भैया बताओ कैसे लग रहा है चूरमा और खीर? मतलब इतना तो मैं खाता ही रहता। पहले आप तारीफ कर रहे थे, अब सच बोलो। बहुत अच्छा, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बनाया तो आपको मेरे से उम्मीद थी ऐसी। लगा मम्मी ने बनाया? नहीं मैंने बनाया, मैंने आपको मैसेज नहीं डाला, वो तो आ गया। मैं पहले के हिसाब से वैसा ही है जैसे तूने 50 रुपए बनाया, मतलब बहुत बढ़िया है। लिटरली अच्छा, लिटरली दोनों भाई लिटरली ज्यादा नहीं बोलने लगे। तो गाइस वर्कआउट हो गया बहुत बढ़िया, जिम हमारी अभी तैयार हो रही है, अभी हमारी जिम तैयार हुई नहीं है, ये हमारा कार्डियो सेक्शन है। और आज हमने मारी है बैक, बैक का वर्कआउट दिखा नहीं पाया, बट बैक की पोजिंग जरूर आपको दिखाऊंगा। और शिवानी ने बना रखा चूरमा, भाई उसने फोटो भेजी मेरे पास, मेरे तो मुंह में यही पानी आ गया सच बताऊं तो। चलो अभी घर चलते हैं, पहले पोजिंग दिखाते हैं उसके बाद दिखाते हैं। तो भाई यहाँ चल रही तैयारी पूरी, अभी हमारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा जिम का, तो अभी मेरी पोजिंग तो दिखा दे बात। एक नंबर लग रहा है, एक नंबर। इन दो छपरियों को दिखा देता हूँ, चलो भाई दिखाओ इधर से, दिखा भाई तू दिखा बैग अपने। अच्छा बैग पहले गुरुजी की दिखाओ। गुरुजी इस जेनेटिक अच्छे हैं वैसे, ये देखो भाई, भाई साहब छूते टाइट कर रहा है ऐसे तेरी बहन की। दिखा बैग, दिखा बैग, बैग बैग मारी है जो वो तो उतार भी रहा है इसकी बहन की। बाल देख इसके, बाल इसके बड़े बड़े बाल, देंगे ना तो आप भाई देखो बाल नहीं, बाल से चल रहे हैं भाई, ठीक है। अरे ना ना ऐसी कोई बात नहीं, दिखाओ दिखाओ बैग दिखाओ। ना ना अच्छी 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 है, लौटने की बैग तो यार अब दिखा दे, क्या हो गया कावड़ लेके आना तू, अभी दोबारा तैयारी पे चलेगा तू अभी। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। तो गाइस जिम के अंदर एक चीज और रखी रहती है, दिखा दो क्या ढोलक रखी रहती है, घूम करना यहाँ किसी का मन मन करे तो ढोलक ढोलक बजाने का, यहाँ पे आओ और बजाओ और ढोलक ही बजाते हैं ज्यादा फालतू जो बोलते हैं बंदे बंदे बच जाते फिर यहाँ पे। तो चलो गाइस चलते हैं सीधा घर और फिर उसके बाद दिखाते हैं सारा आपको प्रोग्राम और चूरमा। चलो बता दो नितिन कैसे बनाया? बहुत अच्छा बनाया भाई, इसके अंदर अलग सा टेस्ट आ रहा है। झूठ बोलियो, नहीं नहीं इसके अंदर वो इलायची वाला टेस्ट आ रहा है यार। सेम स्क्रिप्ट बनिया, दूसरी बोल अच्छा रखा इंस्टाग्राम पे। अरे खीर दया तो बोल, दोनों तेरी कसम बहुत बढ़िया। अब डेली तारीफ करनी है ना, अब नए नए लाइनें कहां से आए बेचारे के पास। सही यार, तुम चूरमा बनाना सीख ले, डेली बनाया करो। मेरे हाथ पहली बार में मेरे हाथ टूट गए, इतना हंगा लगाया मैंने। मम्मी यार ये हांगा लगा। सो गाइस सुबह से बैंड बजी हुई थी, अब फाइनली मैं बैठूंगी, क्योंकि दोपहर में भी जब मैं पकौड़े बनाकर आई थी उसके बाद जस्ट मैंने खाए और मैं चले गई ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को वीडियोस बनानी थी। इतने में 6 बज गए, 7 बज गए और फिर मैं खीर में लग गई, तो मेरा आज का पूरा दिन निकल गया। बट ये मैंने खुद ने प्लान कर रखा था कि आज त्यौहार है, तो मैं क्योंकि मुझे गाइस तीनों में से एक भी चीज़ नहीं आती थी, तो कभी भी ऐसा होता है मुझे कुछ भी फेस्टिवल होता है तो मैं हमेशा हलवा बनाती थी, तो मुझे कुछ नया सीखना था तो मैंने इसी बहाने आज सीख भी लिया। अंदाज़ा हो गया मुझे, अब तो मैं अपने आप कर लूँगी। बाकी नितिन आएंगे तो देखते हैं उन्हें चूरमा कैसा लगेगा। और मेरे पैर ऐसे हो रखे हैं कि मैं पेन किलर खा लूँ, बट रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाएंगे। बाकी आप लोग बताना आप लोगों ने कैसे अपना 15 अगस्त मनाया। और एक चीज़ और गाइस, मेरा पक्का कह रही हूँ पक्का साथी जो है वो ये है, इतने मैं रसोई में खड़ी रहूंगी, काम करती रहूंगी, आप ये लगा लो 4 घंटे 3 घंटे कितने भी घंटे में लगी रहूंगी, तो ये वहीं मेरे पैरों में बैठा रहेगा चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कुछ हो। तो अब मैं यहाँ आई हूँ, अब मैंने एसी ऑन करा है तो ये अब सो रहा है यहाँ पे। ये होता है टूरू लव, समझ रहे हो आप। तो गाइस मैं फटाफट अपना कुछ अपना रेस्ट कर लेती हूँ
और अपनी मम्मी से वीडियो कॉल कर लेती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी की आज इतनी याद आई ना, मतलब आज 15 अगस्त था और 15 अगस्त पे मुझे अपने घर वालों, मतलब कुछ भी फेस्टिवल होता है मुझे अपने घर की याद आती है, क्योंकि वहाँ पे हर फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता था और मुझे वही याद आता है, ये होली पे पकौड़े बनना और फिर पकौड़े बनना, फिर कुछ बनना, फिर कुछ बनना, तो मुझे याद आता है, मिस करती हूँ मैं बहुत दिन में। तो मैं रो भी रही थी बट वो मैंने क्लिप डिलीट कर दी, मैं गया चलो रोते हुए क्लिप नहीं डालनी। बाकी मिलते हैं